हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 25 लाख रुपीज पर मंथ सेल किया है सिर्फ अमेजोन पे, और ये बाकी सारी चैनल्स यानी कि फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई छोड़ के। हमारे स्किन केयर ब्रांड का नाम है ग्लो पिंक, और इसे एस्टेब्लिश करने के चक्कर में हमने लॉस किए हैं 95 लाख रुपए, और जितनी गलतियां कर सकते थे वो सारी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी कैसे कर सकते हैं 1 करोड़ रुपीज सेल अमेजोन पे, और इसके लिए आप प्रोडक्ट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप 10 से 15 लाख का प्रॉफिट कमा पाए 1 करोड़ के सेल। तो पहले अपना ईयरली गोल जो कि है 1 करोड़ रुपीज सेल, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे गोल्स में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज सेल पर मंथ या 30,000 रुपीज सेल एवरी डे। ये हो गया आपका एक गोल जो कि आप इजीली अचीव भी कर सकते हैं और इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। इस पूरे अमेज़न बिजनेस सेटअप प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं 7 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 है चूज राइट कैटेगरी, ये काफी इम्पोर्टेंट है। आपको एक ऐसी कैटेगरी चूज करनी है जहां पर अमेज़न का डेली वॉल्यूम भी ज्यादा हो और टिकट साइज भी। ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, फैशन एंड अपैरल, होम एंड किचन अप्लायंसेस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बुक्स एंड स्टेशनरी, टॉयज एंड बेबी प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करते हुए थॉरो मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाइज बेस्ट सेलर की इन्फॉर्मेशन आप इजिली अमेजोन की वेबसाइट पे ही देख सकते हो। इस पे आपको ये एनालाइज करना है कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की क्या स्पेशलिटी है, ये डिजाइन, यूजेबिलिटी, फीचर्स, प्राइस पॉइंट या तो इन सारे का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कि इनको बेस्ट सेलर बनाता है। Amazon वेबसाइट के अलावा जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 दो पॉपुलर पेट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे जो कि है रीसेलिंग या ओन ब्रांड। अब आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ही लिया है काफी अच्छे से रिसर्च करके, तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको रीसेलिंग करना है दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स या अपना खुद का ब्रांड एक क्रिएट करना है। आप अगर दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स रीसेल करते हो तो आपके पास उतना ही मार्जिन रहता है जितना ये ब्रांड्स आपको ऑफर करती है, और ये मैक्सिमम रह सकता है 20% तक। अब सच्चाई ये है कि 20% मार्जिन काफी नहीं है एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करके रन करने के लिए, अनलेस कि आपके पास 100-200 करोड़ रुपए का कैपिटल हो जिसको यूज करके आप बेटर मार्जिन्स नेगोशिएट कर पाओ इन सारे ब्रांड्स से। तो अपने जैसे स्टार्टअप जनता के लिए यही सही है कि हम अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करें। जब आप खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका ग्रॉस मार्जिन जो है 80% तक रह सकता है। ग्लोपिंग में भी हमारा ग्रॉस मार्जिन 80% था जो कि काफी स्कोप देता है अदर कॉस्ट यानी कि पैकेजिंग, फुलफिलमेंट एंड कुरियर कॉस्ट के अलावा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को भी कवर करने के लिए। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 3, कैटलॉग। स्टार्टिंग में एक ही प्रोडक्ट से 30,000 रुपीज की सेल लाना एवरीडे काफी डिफिकल्ट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स। एक ब्रांड कैसे लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, इन सबसे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए। 4th स्टेप है प्राइसिंग। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है और प्राइसिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए। लेकिन आपका प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 या 200 रुपीज है तो एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस रन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। ये मुश्किल इसीलिए भी है क्योंकि अमेज़न को आप जो कमीशन देते हो वो तो है ही, इसके अलावा आपके कुरियर चार्जेस भी कम से कम 50 रुपीज रहेगा, और आप अगर FBA चूज करते हो जो कि है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, तो अमेज़न का कमीशन जो है वो 22% तक जा सकता है। तो प्राइसिंग के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है 5 टाइम्स द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपको 80% ग्रॉस मार्जिन देता है और काफी स्कोप देता है कि आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और बाकी सारे कॉस्ट आप कवर करो और एक प्रॉफिट बनाओ आपके हर एक सेल। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 5, लिस्टिंग। जब आप अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करें तो मेक श्योर कीजिए कि आप हाई क्वालिटी इमेजेस ही यूज करें। जब आप टॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग्स देखेंगे तो ये काफी हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, साथ ही साथ ये प्रोफेशनली डिजाइंड होती हैं।
आप हायर कर सकते हैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ को। एक प्रोडक्ट की 4 इमेजेस के लिए अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज ही लगते हैं। फोटोज के अलावा आपके प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और A+ कंटेंट भी बहुत जरूरी है आपकी लिस्टिंग को स्टैंड आउट कराने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन और A+ कंटेंट क्रिएशन के लिए ChatGPT जैसे AI टूल्स भी यूज कर सकते हैं। 6th स्टेप है एडवर्टाइजिंग। सिर्फ लिस्टिंग ऐड करने से आपके सेल्स शुरू नहीं हो जाते, इसको आपको प्रमोट भी करना पड़ेगा। और प्रमोट करने के लिए बेस्ट तरीका है Amazon एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। Amazon पे एडवर्टाइज करने के लिए आपको फ्री सपोर्ट मिल जाता है Amazon की तरफ से। एड कैंपेन्स के लिए कम से कम 2000 से 5000 रुपीस का डेली बजट रखेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट सेल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये कैंपेन्स को वीकली वंस रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एड कैंपेन्स को ट्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ROAS, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ कमिंग टू 7th स्टेप, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वे है आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए बेस्ट चैनल है इंस्टाग्राम। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने का आसान तरीका है कि आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपनी ब्रांड के लिए एक प्रोफाइल बनाइए और अपने पॉपुलर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के प्रोफाइल सर्च कीजिए। इस प्रोफाइल पे आपको थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जिन्होंने उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स प्रमोट किए होंगे और उस ब्रांड को टैग किया होगा। आप एक एक करके इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए और इन्हें DM कीजिए। इन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं बार्टर कोलैबोरेशन के लिए, जिसमें एक फ्री प्रोडक्ट के एक्सचेंज में इन्फ्लुएंसर से एक प्रमोशन पोस्ट और आप स्टोरी करवा सकते हैं। बार्टर कोलैबोरेशन से न सिर्फ आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं और ओवरऑल आपके मार्केटिंग स्पेंड को प्रॉफिटेबल बनाता है। यदि आप ये 7 स्टेप्स केयरफुली प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप भी ला सकते हैं 1 करोड़ का सेल्स Amazon पे विथ प्रॉफिट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।